अभी जाइए और डाउनलोड करें एक्स्ट्रा क्लास ऐप एंड देखिए सारी वीडियोस और नोट्स फॉर फ्री. डाउनलोड नाउ. हेलो एंड वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास बिजनेस स्टडीज. सो इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. हेनरी फेयोल बेसिकली एक माइनिंग इंजीनियर थे एंड ही वॉज अ मैनेजमेंट थ्योरिस्ट जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए जिसकी वजह से ही इज नोन एज द फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट. एंड फॉर योर नॉलेज मैं आपको बताना चाहूंगी दैट ही वॉज द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दैट इज प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. जस्ट उनका जो वर्जन था वो थोड़ा डिफरेंट था. उन्होंने प्लान ऑर्गेनाइज कमांड कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करे थे. सो अब हम स्टार्ट करेंगे उनके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और इस वीडियो में हम कवर करेंगे उनके 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज डिवीजन ऑफ वर्क. सो इसको हम समझने के लिए डिवीजन ऑफ वर्क का कंसेप्ट समझने के लिए कि ये प्रिंसिपल का बेसिक मीनिंग क्या होता है हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल जर्नली आपने देखा होगा कि स्कूल में जो टीचर बिजनेस स्टडीज पढ़ाते हैं वो कभी भी फिजिक्स नहीं पढ़ाते, जो टीचर अकाउंट्स पढ़ाते हैं वो इंग्लिश नहीं पढ़ाते और जो टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं वो कभी भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते. सो यहाँ पे टास्क को डिवाइड करा गया है एंड वो टास्क सिर्फ वही लोग करते हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं उस काम को करने के लिए. सो डिविजन ऑफ वर्क भी यही प्रिंसिपल यही कहता है कि जो वर्क होता है अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल द वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क स्मॉल जॉब्स एंड उस वर्क को उस टास्क को उन लोगों को ही करना चाहिए जो कि स्पेशलिस्ट हो कॉम्पिटेंट हो उस काम को करने के लिए उनके पास नॉलेज हो कैपेबिलिटी हो एंड वो लोग कॉम्पिटेंट इनफ हो उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए. सो स्कूल में हमने देखा है कि जो बिजनेस स्टडीज पढ़ाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्टडीज पढ़ाते हैं, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हैं. सो इससे वो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एक्सपर्ट बन जाते हैं. सो हेनरी फेयोल डिवीजन ऑफ वर्क से यही कहते हैं दैट डिवीजन ऑफ वर्क विल रिजल्ट इन स्पेशलाइजेशन एंड इफेक्टिव एंड एफिशियंट कंप्लीशन ऑफ वर्क. सो डिवीजन ऑफ वर्क हमने समझा बेसिकली जो इसका मतलब है डिवीजन ऑफ वर्क एज द नेम सजेस्ट कि वर्क को डिवाइड कर देना स्मॉल टास्क में स्मॉल जॉब्स में एंड वो टास्क और जॉब उन लोगों को ही करनी चाहिए जो कि कॉम्पिटेंट इनफ हो उस टास्क को करने के लिए सो दैट दे बिकम एक्सपर्ट इन देयर पर्टिकुलर फील्ड. सो नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट प्रिंसिपल. सो सेकेंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर हम सबसे पहले अथॉरिटी का मतलब समझते हैं कि अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है द राइट टू गिव ऑर्डर्स या हम बोल सकते हैं द पावर टू गिव ऑर्डर. और जो अथॉरिटी होती है इट कम्स विथ पोजीशन. जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो जितनी हायर पोजीशन पे होगा उसके पास उतनी ज़्यादा अथॉरिटी होगी टू गिव ऑर्डर्स. और वहीं अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है द ऑब्लिगेशन टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी कि जो काम दिया गया है उसको प्रॉपरली ख़त्म करना, उसको प्रॉपरली फुलफिल और फिनिश करना. सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो हेनरी फेयोल कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बैलेंस होनी चाहिए. इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल श्योमी जो कि एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो एक मोबाइल कंपनी है, उन्होंने मार्केट में फ़ोन्स की डिमांड देखते हुए जो उस कंपनी का सेल्स मैनेजर है उन्होंने रिक्वेस्ट करा प्रोडक्शन मैनेजर को कि वो 10,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स एक्स्ट्रा मोबाइल मैन्युफैक्चर करे प्रोड्यूस करे बाय द एंड ऑफ द वीक. सो जो प्रोडक्शन मैनेजर है उन्होंने जो उनकी प्रोडक्शन टीम है उनको ऑर्डर दिया कि उनको बाय द एंड ऑफ द वीक 10,000 एक्स्ट्रा जो मोबाइल्स है वो मैन्युफैक्चर करने हैं. सो मोबाइल मैन्युफैक्चर करने के लिए जो नेसेसरी पार्ट्स चाहिए थे, जो नेसेसरी इक्विपमेंट चाहिए थे उनको खरीदने के लिए, उनको ऑर्डर करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर ने वर्कर्स को इतनी अथॉरिटी नहीं दी कि वो उसको ऑर्डर कर सके, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट हुआ कि वो जो उनका टास्क था वो कंप्लीट नहीं कर पाए. सो यहाँ पे हमने क्या देखा, इवन दो ये वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको बाय द एंड ऑफ द वीक अपना जो 10,000 यूनिट्स का टास्क था, टारगेट था, वो कंप्लीट करना था, बट देर वॉज नॉट इनफ अथॉरिटी कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सके. सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से हेनरी फेयोल यही कहना चाहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस में होनी चाहिए एंड देयर शुड बी नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट द पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो हमने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझा कि हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंगली देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी मतलब राइट टू गिव द ऑर्डर एंड देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क कंप्लीटली. सो अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन.
अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, डिसिप्लिन का बेसिकली मतलब होता है रिस्पेक्ट टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस, या फिर हम कह सकते हैं ओबीडियंस टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर हम स्कूल के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो आपको भी स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, एक स्कूल का एक पर्टिकुलर टाइम टेबल होता है कि स्कूल इतने बजे स्टार्ट होगा और इतने बजे आपकी छुट्टी होगी, एक पीरियड कितने मिनट्स का होगा ये भी एक पर्टिकुलर रूल होता है, रिसेस के क्या टाइमिंग्स होंगे, कितने मिनट की रिसेस होगी ये भी एक पर्टिकुलर रूल होता है। सो आपको इन रूल्स एंड रेगुलेशन को रिस्पेक्ट करना होता है, उनको फॉलो करना होता है, बेसिकली यू आर ओबीडियंट टूवर्ड्स द रूल्स ऑफ स्कूल। वैसे ही सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन के कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को फॉलो करने पड़ते हैं। एक इंडिविजुअल को रिक्रूट करा जाता है उसकी कैपेबिलिटी उसकी नॉलेज को देखकर, एंड उसके पास उसके अकॉर्डिंगली अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो उस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको उसी हिसाब से यूज़ करना चाहिए बाय फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, मतलब कि उसको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको ओबीडियंट होना चाहिए टूवर्ड्स द कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो हेनरी फेयोल कहते हैं कि डिसिप्लिन को अटेन करने के लिए, डिसिप्लिन को अचीव करने के लिए बेसिकली तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो कि अब हम वो पढ़ेंगे। सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। सो सबसे पहला दैट इज गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स। अगर हम स्कूल के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो आपके स्कूल में प्रीफेक्ट्स होते हैं, हेड बॉय हेड गर्ल होते हैं, देन उनके सुपीरियर टीचर्स होती हैं, देन उनके सुपीरियर्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके पास अपनी अथॉरिटी होती है जो इंश्योर करते हैं कि स्कूल में डिसिप्लिन बना रहे। सो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे सुपीरियर्स होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक पीसफुल एनवायरनमेंट रहे, डिसिप्लिन हो, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। नेक्स्ट आता है क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स। जब भी एक इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करा जाता है तो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें क्लियरली स्पेसिफाइड होता है कि उसको कितना आवर्स काम करना है, वीक में कितने डेज वर्किंग होंगे, उसकी उसको मंथली कितनी लीव्स मिलेंगी। सो बेसिकली जो ये एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ये एकदम क्लियर एंड फेयर होने चाहिए बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबॉर्डिनेट, दोनों को ही क्लियरली पता होना चाहिए अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट। नेक्स्ट आता है जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। जैसे सबको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को पर्टिकुलर लीव्स अलॉट करी जाती है कि इस मंथ में वो इतनी लीव्स ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय प्रिस्क्राइब लीव से ज़्यादा लीव्स लेते हैं, ज़्यादा छुट्टी करने लग जाते हैं, वो इररेगुलर रहते हैं, तो इवन वार्निंग्स के बाद भी तो जो कंपनी होती है वो उनके अगेंस्ट पेनल्टीज लगाती है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन है वो वॉयलेट ना हो। सो हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंगली डिसिप्लिन जो कि हमने समझा दैट इज द रिस्पेक्ट टूवर्ड्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे अचीव हो सकता है, दैट नंबर वन देयर शुड बी गुड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल्स, नंबर टू देयर शुड बी क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स बिटवीन द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, नंबर थ्री इज जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। सो हमने डिसिप्लिन अच्छे से समझा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्लास में एक टीचर की बजाय दो टीचर आ जाएं और एक टीचर कहे कि आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है और आपको फर्स्ट पीरियड अकाउंट्स का होगा, और सेकंड टीचर बोले कि आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है और आपको फर्स्ट पीरियड बिजनेस स्टडीज का होगा, सो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, दैट इज ऑब्वियस कि आपको अकाउंट्स पढ़ना है या फिर आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ना है। सो आप ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे कि सिर्फ एक क्लास टीचर हो जिसका टाइम टेबल आप फॉलो करें। सो सिमिलरली यूनिटी ऑफ कमांड जो कि हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल है वो कहता है कि देयर शुड बी वन एंड ओनली वन सुपरवाइजर फॉर एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, कि एक एम्प्लॉय के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सुपरवाइजर होना चाहिए जो कि उसको ऑर्डर्स देगा एंड वो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल होगा टू दैट सुपीरियर ओनली। सो बेसिकली यूनिटी ऑफ कमांड से क्या होगा, इससे जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी एंड जो टारगेट्स होंगे टास्क होंगे गोल्स होंगे वो टाइमली अचीव होंगे। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय एक से ज़्यादा सुपीरियर से ऑर्डर्स लेता है इससे क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड विल बी वायलेटेड। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड हेनरी फेयोल कहते हैं दैट देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर ईच इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्यूजन ना हो और जो टास्क है टारगेट्स हैं वो टाइमली कम्प्लीट हों। सो अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसको समझने के लिए इसके कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इंडिगो एयरलाइंस जो कि लो कॉस्ट एयरलाइन है, इनका गोल था कि जो उनके कंज्यूमर्स हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं, वो उनको एयरलाइन टिकट्स लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करें। सो इस गोल को अचीव करने के लिए पूरी जो इंडिगो एयरलाइंस ऑर्गेनाइजेशन थी वो सिर्फ एक प्लान पे चली ताकि वो अपना जो गोल है दैट इज लो कॉस्ट एयर टिकट्स प्रोवाइड करना वो अचीव कर सके। सो दिस इज व्हाट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्लान को फॉलो करना चाहिए ताकि ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज ना हो। बेसिकली देयर शुड बी वन हेड वन प्लान, जो एक पर्टिकुलर गोल है उसको अचीव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लान फॉलो करना चाहिए ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन में ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज ना हो। सो जैसे कि हमने देखा कि इंडिगो एयरलाइंस का गोल था कि वो अपने क्लाइंट्स को लो कॉस्ट पे एयर टिकट्स प्रोवाइड करें, दैट इज कि वो डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए। सो जब उनका ये गोल अचीव हो गया तब उन्होंने नेक्स्ट गोल बनाया कि वो इंटरनेशनली जो लोगों को, जो उनके क्लाइंट्स होंगे, उनको लो कॉस्ट पे इंटरनेशनल टिकट्स प्रोवाइड करेंगे। सो इस गोल को अचीव करने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक प्लान फॉलो करती है ताकि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक्टिविटीज का ओवरलैप ना हो और सबको पता हो, क्लियर हो कि उनको क्या काम करना है। सो दिस इज वॉट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दैट देयर शुड बी वन हेड वन प्लान, देयर शुड बी वन गोल वन डायरेक्शन एंड वन प्लान। अभी जाइए और डाउनलोड करें एक्स्ट्रा क्लास ऐप एंड देखिए सारी वीडियोस और नोट्स फॉर फ्री। डाउनलोड नाउ।